हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप ही के अपने चैनल मनी गुरुजी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो मुकाबला खेला जाने वाला है वो होने वाला है 24 जुलाई यानी कि आज शाम को 7 बजे से क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाथ के ग्राउंड पर। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमें टेलीग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आप सभी को मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर रोजाना आप जीत सकते हो बिल्कुल फ्री में, 1 लाख रुपये तक बिल्कुल फ्री में आपको वहां पर खेलने को मिलता है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीछे रिपोर्ट के बारे में, जो कि हम जानेंगे ओडीआई स्टेट्स को देखकर। तो आप देखोगे अभी तक यहां पर जो मुकाबले खेले गए हैं वो 64 मुकाबले खेले गए, उसमें से 30 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, 34 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर यहां पर रहा है वो रहा है 223 का, 413 यहां पर हाईएस्ट बना है, 51 यहां पर लोवेस्ट बना है। अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कितने रन यहां पर बन सकते हैं, तो आप देखोगे 200 से कम रन यहाँ पर 22 बार बने हैं, 200 से 249 के बीच में 17 बार बने हैं, 250 से 299 के बीच में भी 17 बार बने हैं, और 300 से ऊपर बने हैं वो बने हैं 8 बार। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लो भी बना है लेकिन हाई स्कोर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बना है। रिसेंटली मैचों की यहाँ पर बात की जाए तो लास्ट के मुकाबले में यहाँ पर जो रन बने थे वो बने थे 308 और 305, वहीं पर उससे पहले 240, 256, फिर आप पहले और देखोगे 279 और 210। तो कहने का मतलब एक अच्छा स्कोर हमें इस विकेट पर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं हम यहाँ से लास्ट के 5 मुकाबलों की, तो लास्ट के 5 मुकाबलों में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने एक भी मुकाबला नहीं जीता है, वहीं पर इंडिया की टीम ने 4 मुकाबले अपने नाम किया। तो जाहिर सी बात है इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत हमें नज़र आ रही है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में, तो हेड टू हेड मुकाबलों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 137 मुकाबले दोनों टीमों के बीच में खेले गए, उसमें से 68 मुकाबले इंडिया की टीम ने जीते हैं, वहीं पर 63 मुकाबले वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जीते हैं। लेकिन लास्ट के मुकाबलों की बात की जाए तो पिछले 5 मुकाबलों में, लास्ट के 5 मुकाबलों में पाँचों के पाँचों इंडिया की टीम ने वोन किए हैं। फिर फ्रेंड्स, हम बात कर ले दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। थोड़ा सा वीडियो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वेस्ट इंडीज़ टीम से बात करें तो आप देखोगे शे होप, काइली मेयर लास्ट में जो बहुत शानदार खेले थे, 75 रन की पारी खेली थी, वहीं पर एस ब्रुक ने भी अच्छा साथ दिया था उनका, 46 रन बनाए थे, 54 रन बनाए थे ब्रेंडम किंग ने, 25 रन बनाए थे निकोलस पूरन ने। हालांकि रोमन पोवेल जल्दी आउट हो गए थे लेकिन आपके लिए ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं। फिर अखिल हुसैन एक विकेट निकाला था, गेंदबाज है, 32 रन भी बनाए थे इन्होंने। रोमारियो शेफर्ड जो कि हमेशा ही मेरी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन होते हैं, 39 रन बनाए थे और एक विकेट निकाला था, ग्रैंड लीग या बैकअप टीम में जरूर कैप्टन बनाइएगा इन्हें। फिर अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट, जी मोटी ने 2 विकेट और जे सिल्स ने कोई भी विकेट नहीं लिया था। लास्ट मैच में अगर इनकी टीम की गेंदबाजी की बात करें तो इनकी टीम के आप गेंदबाज देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गेंदबाज इनकी टीम में गेंदबाजी की थी, उसमें अल्जारी जोसेफ ने 10 ओवर पूरे किए थे, 61 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे, जे सिल्स ने 9 ओवर में 54 रन दिए थे, 1 मेडन किया था, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला था। रोमारियो शेफर्ड ने 7 ओवर ही किए थे लेकिन 1 विकेट ले गए, उसमें भी 43 रन देकर। काइली मेयर ने 2 ओवर में 17 रन दिए और ओपनिंग की थी, ओपनिंग में 6 रन बनाए थे इन्होंने। जी मोटी ने 10 ओवर के पूरे किए थे, 54 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे। अखिल हुसैन ने 10 ओवर में 51 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया था। अब फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हो कि कौन ओवर पूरे कर सकता है अपने कोटे के, तो उसमें नाम आता है अल्जारी जोसेफ और अखिल हुसैन का, जो कि टीम के मेन बॉलर है। तो इन दोनों पर थोड़ा सा आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। बाकी बहुत सारे ऑप्शन है, रोमारियो शेफर्ड का प्लस पॉइंट ये है कि ये बल्लेबाजी से, इनके अगर बल्लेबाजी आती है तो बल्लेबाजी से भी अच्छे रन ये बना सकते, तो ग्रैंड लीग में इन्हें कैप्टन जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर इंडिया टीम से बात करें तो इंडिया टीम से जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है लास्ट मुकाबले में बहुत अच्छा खेला था, शिखर धवन 97 रन, शुभमन गिल 64 रन, श्रेयस अय्यर 54 रन, तीनों ने लास्ट मैच में 50 जड़ी थी, तीनों के तीनों कमाल के खेले थे लास्ट मुकाबले में। फिर सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन जल्दी आउट हो गए थे, 13 और 12 रन, दीपक हुड्डा ने 27 रन बनाए थे लेकिन हाँ प्लस पॉइंट यह था इन्होंने 5 ओवर गेंदबाजी भी की थी। अक्षर पटेल ने 21 रन बनाए थे, शार्दुल ठाकुर ने 7 रन बनाए थे, 2 विकेट निकाले थे, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए थे, युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए थे, और तीनों पर ही हमें भरोसा था और तीनों ने विकेट निकाले थे लास्ट मुकाबले में। फिर प्रसिद्ध कृष्णा को कोई भी विकेट नहीं मिला था। लास्ट मैच की अगर इनकी गेंदबाजी की बात करें तो आप देखोगे मोहम्मद सिराज 10 ओवर 57 रन 2 विकेट, शार्दुल ठाकुर 8 ओवर 54 रन 2 विकेट, वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवर किए थे 62 रन दिए, विकेट नहीं मिला।
अक्षर पटेल ने 7 ओवर में 43 रन दिए, दीपक हुड्डा ने 5 ओवर में 22 रन दिए और वहीं पर युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 58 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। अब फ्रेंड्स, अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड वगैरह देख रहे हो तो यहाँ पर आप देख कर चल सकते हो कि कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आपको ज़रूरत है तो आप इन चीज़ों वीडियो को पॉज करके रोक कर आप इजीली इन सब चीज़ों को देख सकते हो। ग्राउंड के आधार पर भी मैंने रिकॉर्ड लिखे हैं, हालांकि ज़्यादा मुझे नहीं लगता इनका कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पर दिखने वाला है, बाकी आपकी चॉइस। अगर आप इन सब चीज़ों को देखकर टीम बनाते हो तो आप प्लेयर बैटल वगैरह भी देख सकते हो, प्लेयर बैटल भी कोई खास यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि खास नज़र नहीं आने का कारण क्या है, कारण ये है दोनों टीमों में यंगस्टर नए प्लेयर है और काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो कि हेड टू हेड पहली बार खेल रहे हैं, मतलब आमने सामने पहली बार खेल रहे हैं, मतलब नए खिलाड़ी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्लेयर बैटल देखने का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या रहेगी मेरी टीम। दोस्तों, फ्री में खेलने के लिए टेलीग्राम पर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बात कर ले विकेट कीपर सेक्शन की, तो शेहोप को मैंने लिया है, आप चाहे तो संजू सैमसंग को ले सकते हो। इंडिया के पहले बल्लेबाजी हुई तो संजू सैमसंग एक इंपॉर्टेंट पिक होते हैं, बाकी शेहोप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी ओपनिंग करते हैं वेस्ट इंडीज टीम से। फिर 4 बल्लेबाज मैंने लिए हैं, शिखर धवन, निकोलस पूरन, फिर यहाँ से देखोगे श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को। लेकिन आपके लिए जो ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं वो बन सकते हैं सूर्य कुमार यादव और एस ब्रूक, आप चाहे तो अपने बैकअप टीम में दोनों को जगह दे सकते हैं, दोनों बड़ी पारी में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं। फिर ब्रेंडम किंग भी है, रोमन पोवेल भी है, ऑप्शन बहुत सारे, आप आपके हिसाब से चेंजेस कर लीजिएगा। 3 मैंने यहाँ से ऑलराउंडर लिए हैं, 3 में नाम आता है दीपक हुड्डा जो कि बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करते हैं, काइली मेयर भी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी करते हैं, वहीं पर रोमरियो शेफर्ड बल्लेबाजी के साथ ये भी गेंदबाजी करते हैं। तो तीनों का प्लस पॉइंट ये है कि ये कहीं ना कहीं पॉइंट देकर जाते हैं, चाहे गेंदबाजी से हो चाहे बल्लेबाजी से हो, तीनों अच्छे ऑप्शन है, तो तीनों को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। बाकी चेंजेस की बात करें तो अक्षर पटेल को आप ले सकते हो, बाकी कोई खास ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता है। 3 गेंदबाज मैंने लिए, 3 में मुझे यहाँ पर युजवेंद्र चहल और अल्जारी जोसेफ को तो लेना ही था, बाकी आपकी चॉइस, आपको शार्दुल को लेना है या नहीं लेना, शार्दुल ने अच्छी गेंदबाजी की थी लास्ट मुकाबले में तो मैं शार्दुल को लेकर चलूँगा, वरना आप अकील हुसैन को ले सकते हो, एक बेहतरीन पिक है अकील हुसैन की, या फिर आपके पास जो ऑप्शन है प्रसिद्ध कृष्णा मोहम्मद सिराज का, ये भी अच्छे गेंदबाज है, मोहम्मद सिराज अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे विकेट निकाल रहे हैं, तो आप मोहम्मद सिराज पर भरोसा थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं टीम का प्रीव्यू। तो दोस्तों, मेरी जो टीम है कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना टेलीग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो कीजिएगा। शिखर धवन को मैंने लिया है, शेहोप को मैंने लिया है, निकोलस पूरन, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर, काइली मेयर, रोमारियो शेफर्ड और अल्जारी जोसेफ मेरे कैप्टन रहेंगे, वो रहेंगे शिखर धवन, वाइस कैप्टन रहेंगे शुभमन गिल, लेकिन ये दोनों ऑप्शन भी बहुत प्यारे हैं, अगर आप चाहें बैकअप टीम से खेलना, ग्रैंड लीग टीम से खेलना, तो इन दोनों को जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन बनेगा, कैप्टन आप बना दीजिएगा रोमारियो शेफर्ड को, वाइस कैप्टन आप बना दीजिएगा काइली मेयर को, बाकी आपके हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।